मथुरा के थाना फरैत क्षेत्र स्थित गांव मलिकपुर की रहने वाली एक महिला अपने साथ हो रही घटना के संबंध में शिकायती पत्र लेकर अपने ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। शिकायत लेकर आई महिला का आरोप है कि महिला की शादी 16 साल पहले हुई थी और शादी के बाद से ही उसके ससुराली जन उसे घर से भगाने की खातिर आए दिन उसके साथ मारपीट जैसी घटनाएं करते रहते हैं, लेकिन पीड़ित महिला पति की खातिर अपने ससुराल में रहती रही, लेकिन ससुरालियों का जुल्म खत्म नहीं हुआ और उसे भगाने के लिए वो उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। इसी के चलते ससुरालियों द्वारा महिला के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत महिला द्वारा स्थानीय पुलिस से की गई, लेकिन कई बार महिला द्वारा थाने के चक्कर लगाने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने थक हार कर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, जहां उसने अपने साथ हो रहे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। नाम है आप? सुनीता। सुनीता कहां से आई हैं आप? मलिकपुर। कौन सा थाना लगता है? फरे। क्या शिकायत लेके आई आज कप्तान साहब के पास? मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये सुनवाई करने के लिए आई हूं। क्या मामला, क्या हुआ था तुम्हारे? मेरे से मारपीट करते हैं, 16 साल पहले मेरे से केस करते चले आ रहे हैं। अच्छा, कौन लोग हैं जो इस तरह? जो मेरे घर परिवार, सास ससुर देवर जेठ पूरा परिवार सता रहा है। तो क्यों, किस बात को लेके तुम्हारे संग मारपीट करते हैं? मेरे से पहले तो जो मारपीट करी है तो ऐसे करी कि यहाँ से भग जाए, नहीं पाए। फिर भी मेरे प्रसाद पति रहे तो मैं रहती रही, मैं मजूरी करके नहीं और करके नहीं, फिर मैं घर पे आ जाती तो वही लड़ाई दंगा करती, तो फिर मैं बाहर निकल गई। तो 7 साल में किराए पे रही, किराए पे रह रहे के मैंने बच्चा पाली, मायके में 3 लड़कियां वहीं, एक लड़का यहाँ मथुरा मैंने किराए पे करी। फिर मैं गांव चली गई, बड़ी बड़ी लड़की आज 10-12-13 साल की हो चुकी है, तो मैं अब गाँव चली गई हूँ। गांव में चली गई तो गांव में भी मेरे से मार धाड़ करते हैं। तो किस बात को लेके मारपीट करते हैं वो? उनकी इच्छा, हमारा मन है, ये कहते हैं कि हमारा मन। अच्छा, उनका मन है। हाँ। तो इस संबंध में आपने कभी आपके नजदीक के थाने में कोई शिकायत दर्ज की है? हमने, मैं पैसे भरता है, उसने कह रहा तू मेरे क्या बड़वाई, पुलिस को तेरी पुलिस का भी बंदेज कर दूंगा। हाँ। क्या बड़वाएगी मेरा? हाँ। 5 बार चली गई मैं थाने। क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं है, पुलिस वाले जाते हैं, चाय पी के भाग जाते हैं। तो पुलिस के थाने के अलावा और भी वरिष्ठ अधिकारी, उनसे आपने शिकायत की? नहीं नहीं, कभी। दो बार कहाँ? कप्तान साहब के यहाँ? यहाँ पर तो यहाँ तक कार्रवाई गई है मेरी। हाँ। तो यहाँ तक कार्रवाई जाने के बाद फिर मुझे कही तो आपने फरे माँ जा थाने पर, मैं थाने पर गई तो माँ 2 दिन बाद में गई, बाद में कह दी ठीक है हम कल आ रहे हैं, तो कल भी नहीं आई, परसों भी नहीं आई, मैंने 2 दिन इंतजार करे, तीसरे दिन आए मेरे यहाँ पुलिस। तो फिर उन्होंने गांव वाले से, ससुर ने कहा अंतर रहता है कि गांव वाले ऐसा है ये पुलिस को लेके आ रही है तो तुम इसकी रफे दफे कर दो ना और मैं आ जाऊंगा। तो मैं अच्छा, तो अब आप यहाँ फिर पुनः कप्तान साहब के पास आई हैं। हाँ। तो क्या उम्मीद रखते हैं कप्तान साहब से आप? हम ये उम्मीद रखते हैं उनको जो हमसे बीती है वो हमारी कर्री से कर्री, उन लोगों की कार्रवाई करें। कार्रवाई हमें ये चाहते हैं, हमें बहू बेटी जैसे अपने घर परिवार की समझ के, अपने घर की इज्जत समझ के हमें घर में रखें।